वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम पृष्ठारूढ़ मसूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। नमस्कार दोस्तों, 10 अक्टूबर को शैलपुत्री माँ दुर्गा की पावन कथा का वर्णन करेंगे। पहले स्वागत है आपका इंडिया सर्च करें चैनल पर। नवरात्रि में दुर्गा माता के पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है, ऐसा सभी जानते हैं। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं प्रथम नवरात्रि पर शैलपुत्री माँ की पावन कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ था शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं, यही सती के नाम से भी जाने जाती हैं। जानिए उनकी एक मार्मिक कहानी, पौराणिक कहानी। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो गई। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को तो निमंत्रित किया है, लेकिन मुझे नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती का प्रबल आग्रह था कि वो जाएंगी। ये देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती घर पहुँची तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह दिया, बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर भगवान के साथ हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। आपके जीवन में शुभ लाभ बने रहें। धन्यवाद मित्रों, इस तरह के आप वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।